लिनोवो आइडियापैड स्लिम 1 AMD Ryzen 5 3500U प्रोसेसर के साथ वाला यह लैपटॉप जिसमें कि मैं 8GB का रैम और 512GB का SSD स्टोरेज देखने मिलता है। यह लैपटॉप हमें कैसी परफॉर्मेंस देगा, कैसे हमें बैटरी बैकअप निकाल कर देने वाला है और साथ ही में हम इस लैपटॉप में कौन कौन से ऐप्स रन कर पाएंगे और ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी हमें कैसे देखने को मिलती है, सारी चीज़ें हम इस डिटेल में कवर करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखते रहिएगा और अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने वाले हैं, इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं, तो इस लैपटॉप को खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से क्लिक करके ही इस लैपटॉप को बाय करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़कर लैपटॉप बारे में सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं। यह लैपटॉप हमारे फ्रेंड ने लिया था तो हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर लिए, वो आपको सारी चीजें दिखाएंगे और एक एक चीजें डिटेल में आपको बताएंगे, तो वीडियो में पूरा अंत तक आप बने रहिएगा। तो इस Lenovo IdeaPad Slim 1 के सबसे पहले हम बैटरी बैकअप से शुरुआत करते हैं। लगभग इस लैपटॉप में आपको 9.5 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ यूजेस में 9 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इसमें जो बैटरी सेल है वो अलग तरह का है, पॉलीमर यूज़ किया गया है इस लैपटॉप में बैटरी में, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इस लैपटॉप को SSD स्टोरेज देखने को मिलता है जिससे कि यह लैपटॉप फास्ट रहता है और आपको बिल्कुल भी लैग इस लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में इस लैपटॉप में काफ़ी सारे एयर वेंट्स भी दिए जाते हैं जिससे कि यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा कूल भी रहता है। बात करें इस लैपटॉप में पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, Type-C पोर्ट, अप टू 5 Gbps डेटा ट्रांसफर वाला और एक बढ़िया क्वालिटी का हेडफोन जैक इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि पोर्ट्स में कहीं से कोई कमी नहीं रखी गई है, सारी पोर्ट्स हमें देखने को इस लैपटॉप में मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, फुल HD पैनल इस लैपटॉप में यूज़ किया गया है, डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। आउटर में भी डिस्प्ले की विजिबिलिटी भी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। इस लैपटॉप में हमने गेम्स भी रन किए हैं, GTA 5, BGMI, फ्री फायर जैसे ऐप्स को यूज़ किया है इस लैपटॉप में, गेम्स को रन करके देखा है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। एसफॉल्ट 9 इस लैपटॉप में रन किया, 4GB 3 या 4GB का गेम आता है वो भी इस लैपटॉप में काफ़ी बढ़िया से चल जाता है। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पे अपने फिल्मोरा ऐप को यूज़ किया है, तो फिल्मोरा ऐप जो वो काफ़ी अच्छे से चल जाता है, 4K तक की आउटपुट क्वालिटी हमें देता है 4K 60fps में, तो इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, कोई भी लैग आपको इस लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई जो है इस लैपटॉप का दूसरे लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी दूर तक के रेंज के वाईफाई को ये काफ़ी इजिली कैच कर लेता है। साथ ही में जो है ना इसमें वेबकैम जो दिया गया वो भी HD क्वालिटी का, वीडियो कॉल्स वगैरह करने में, ऑनलाइन क्लासेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस लैपटॉप में आपको आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 11 देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो जो है आपको लगभग 1 घंटे का समय लगता है लैपटॉप को फुल चार्ज करने में। तो यही था इस लैपटॉप के बारे में, काफ़ी शॉर्ट में हमने इस लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप इस लैपटॉप को लेने वाले हैं तो इसको खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से ही इस लैपटॉप को बाय करिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।